आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा शंजल यूरोप के हवाले से। तो गुड न्यूज़ है और ये पुर्तगाल की अपडेट है। तो पुर्तगाल ने वर्क परमिट ऑन कर दिए हैं और लोगों का बहुत अच्छा रुझान है पुर्तगाल की तरफ। अच्छा, पुर्तगाल के वर्क परमिट के लिए लोग वेट इसलिए कर रहे थे और लोग चाह रहे थे कि पुर्तगाल का वर्क परमिट ऑन हो जाए ताकि एक शंजन में वाहिद कंट्री है पुर्तगाल जो इजीली डॉक्यूमेंट्स दे देता है। अच्छा, पहले तो 45 डेज में भी लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और मतलब ये कि कुछ महीनों में ही मिल जाते थे। अब थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो थोड़ा लॉन्ग हो गया है क्योंकि काफ़ी कंट्रीज से जो है वहाँ पे लोग वर्क परमिट और डॉक्यूमेंट्स के लिए जाते हैं। तो अब जो लोग शेंजन की तरफ या यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं तो वैसे तो जर्मनी, इटली और फ्रांस मुख्तलिफ हर जगह जा सकते हैं, लेकिन पुर्तगाल इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि एक वाहिद पुर्तगाल कंट्री ऐसी है जो आपको साल में या डेढ़ साल में आपको लीगल कर देती है। और पुर्तगाल ऐसा नहीं है, पुर्तगाल एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है और शेंजन में जो है एक उसके पासपोर्ट की एक बर्थ है, तीसरे नंबर पर आता है उनका पासपोर्ट पुर्तगाल का। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ थी। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे पुर्तगाल के वर्क परमिट के बारे में, तो मैंने उनसे कहा था कि कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो हमने काफ़ी लोगों के प्रोसेस कर लिए, तो उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो उसमें पुर्तगाल में कोई भी इंटरेस्ट हो, उसके अलावा भी किसी भी कंट्री में, हर कंट्री की हम वीडियो बना के कोशिश करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। अच्छा, व्यूज़ हमारी वीडियोस पे तकरीबन आते हैं, लेकिन ये है कि डायरेक्टली लिंक से या किसी तरीके से वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में भी शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। और इसके अलावा भी वर्ल्ड वाइड वीज़ा सर्विसेज का काम है हमारा, तो किसी भी किस्म की वीज़ा सर्विसेज हो, टिकटिंग हो, ग्रुप टूर्स हो या इंडिविजुअल कोई जाना चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।